उस दिन देवहरी में सुबह कुछ ऐसे व्यूज के साथ में हुई। बादल काफी करीब आ गए थे। वैसे तो बारिश में हर जगह बहुत तेज लगती है, और ये तो देवहरी है। मेरे पीछे का व्यू मैजिकल है। पेड़ों के बीच से थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे बर्फ झलक रही थी। जन्नत थी उस दिन नजरों के सामने। इससे सुंदर गांव हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। देवहरी दैट डे वॉज जस्ट मैजिकल। गुड मॉर्निंग। सबसे ज्यादा जरूरत थी जिस चीज की इस टाइम पर वो आप लेके आए, चाय। चाय और पराठा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जबान नहीं चल रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। अभी हम लोग हैं देवहरी में, देवहरी विलेज होम स्टे, जहाँ पे मैं रुका हूँ करण के यहाँ पर। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे स्नोफॉल का पिछले चार दिन से। सुबह का 11:30 बज रहा है और एकदम क्लाउड्स हैं, सामने हल्की हल्की सी स्नोफॉल होने लग गई है। तो आज यहाँ पे नज़ारे एकदम जन्नत वाले होने वाले हैं। लुक एट द क्लाउड मूवमेंट। और ये टाइम लैप्स नहीं है, ये क्लाउड्स इतनी तेजी से मूव करते हुए आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सामने वाले पहाड़ के पास में थे और अभी धीमे धीमे करके पूरे देवहरी को कवर करते जा रहे हैं। लुक एट दिस, पूरा पाइन फॉरेस्ट में बीच बीच में क्लाउड्स और टॉप पर स्नो। आज मैं कर रहा हूँ पल पल की रिपोर्टिंग, हर 10 मिनट पर कहाँ बर्फ पड़ गई, किधर से पड़ गई। बस फिलहाल देवरी में कब पड़ेगी उसका वेट है। हम लोग रुके हुए थे देवरी में, देवरी एक्सप्लोर किया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर विलेज है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप लोग आ रहे हो इस साइड तो देवरी में ज़रूर स्टे करना। तो फिलहाल देवरी में स्नोफॉल तो नहीं हुई, मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, तो फिर यहाँ से निकलते हैं। आगे पास में ही शानगढ़ है। पहाड़ों में ऐसे छोटे छोटे विलेज एक्सप्लोर करने में एक ही आफत आती है, होम स्टे से अपना सामान लेके आना। पर फिलहाल बाइक पूरी सेट हो चुकी है, सारा सामान लोड कर दिया है, तो एक नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। शानगढ़ यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का ही रास्ता है, जिसमें से 5-6 किलोमीटर का पहले ही ऑफ रोड का ट्रेल है एंड उसके बाद फिर मोस्टली रोड बनी हुई है। तो आज सुबह से मौसम एकदम क्लाउडी है, स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है वीकेंड पे। लेट्स सी कितनी स्नोफॉल होती है या धोखा देती है, वहीं पहुँच के पता लगेगा। फिलहाल टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, सो लेट्स लीव फॉर शानगढ़। माउंटेन के टॉप्स पर स्नो पड़ी हुई है, पर नीचे अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है। देखते हैं शानगढ़ में किस्मत साथ देती है कि नहीं। फिलहाल ये थोड़ा सा बारिश हुई है तो रास्ता ट्रिकी हो गया है। तो ये नेक्स्ट 5-6 किलोमीटर रास्ता ऐसे ही ऑफ रोड वाला चलने वाला है। फॉरेस्ट सराउंडिंग देवहरी विलेज कम्स अंडर द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा था, दो द फॉरेस्ट ट्रेल वॉज स्मॉल, बट राइट थ्रू दैट फॉरेस्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिफ्रेशिंग वन। देवरी के कुत्ते सारे बहुत ही अच्छे हैं। एक वो चीकू था जो हम लोग के साथ में पुंडरीक वाली ट्रेल पे जाता रहता था पूरे टाइम, और एक ये है जो हमारे साथ देवरी की पार्किंग से चल रहा है और अभी तक आ चुका है 2-3 किलोमीटर। तो ऊपर का 1-2 किलोमीटर काफ़ी ख़राब था, पर फिलहाल यहाँ पर थोड़े से स्टोन्स पड़े हुए हैं और शायद धूप भी यहाँ पे आती होगी, क्योंकि ये नीचे दिख रही है पूरी सैंज वैली। तो सैंज वैली का ही एक विलेज है देवहरी, जो कि सैंज से करीब 6-7 किलोमीटर ये ऑफ रोड करके पड़ता है। तो देवहरी के अलावा भी और बहुत सारे विलेजेज हैं ऊपर। तो ये दिख रही है यहाँ से नीचे पूरी सैंज वैली, वो सैंज विलेज है। क्या सुंदर वैली दिख रही है यार। एक तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है, सामने क्लाउड्स का मूवमेंट एकदम ज़बरदस्त। भाई स्नोफॉल करवा देना आधे घंटे बाद। पर ये वाले एरियाज एक्सप्लोर करके ना मजा आ गया। एक बार हिमाचल में इस बार कुछ डिफरेंट सा एक्सप्लोर किया इस पूरी सीरीज में ही, और आज तो नई डेस्टिनेशन फिर से जा ही रहे हैं। तो ये ऑफ रोड खत्म हो गई है और ये आ गए अब हम मेन रोड पर। तो पीछे से आउट साइड से रास्ता आ रहा है,
और ये फर्स्ट क्लास रोड जा रही है शानगढ़ के लिए। ये अच्छा ये होगा वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बोल रहा था ना करण कि हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, तो ये कोई वो हाइड्रो प्लांट है। पर क्या सुंदर दिख रहा है, इसमें पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, गोप्रो में उतना नहीं दिख पाएगा अभी। पर अभी वाटरफॉल है या कहीं से पानी गिर रहा है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए वो नहीं पता। वेलकम टू ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये लेफ्ट साइड पर जा रहा है रास्ता मझान गातीपार, पता नहीं ये सब बाद में देखेंगे, फिलहाल राइट की तरफ जा रहा है न्यूली शानगढ़ और रूपा। रूपा इज 4, शानगढ़ इज 10 किलोमीटर्स। ओए 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 क्या सुंदर रास्ता लग रहा है यार। एक तो मौसम बढ़िया हो और जंगल के पीछे चले जा रहे हो तो अलग ही मज़ा आ जाता है। तो वो जंक्शन जो पड़ा था उसके पहले तक पूरी डबल लेन रोड आ रही थी अच्छी खासी, पर अब यहाँ पे सिंगल लेन रोड हो गई है जो लास्ट 10 किलोमीटर्स हैं शानगढ़ के। पर क्या प्यारा रास्ता लग रहा है यार, बहुत बहुत अमेजिंग। ये ब्यूटी होती है थोड़ा ऑफ बीट अनएक्सप्लोर्ड जाने की। वाह रूपा, रूपा पहुंच गए हम लोग। अरे क्या सही लग रहा है यार, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कर्नाटका के जंगलों में और उसमें बड़े बड़े पहाड़ हो रहे हैं। शानगढ़ 7 किलोमीटर, क्या जबरदस्त फॉरेस्ट ट्रेल से जा रही है। अच्छा वो रास्ता निकल गया सेव न्यूली के लिए और ये चला गया ऊपर शानगढ़ के लिए। ये मेन रोड से 7 किलोमीटर रास्ता ऊपर चढ़ता जा रहा है और व्यूज होने लग गए शानदार शानगढ़ के। लेफ्ट में स्नो क्लैरिड माउंटेन्स और पूरी वैली नीचे। अरे अरे क्या टेढ़े पेड़े, टेढ़े पेड़ एकदम, देखो गिर जाएंगे। अरे शिट क्रेजी। पहुंच गए हम शानगढ़। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एकदम जंगल का रास्ता चल रहा है और ऐसी जगह आ जाएगी। जोस्टल हॉस्टल हॉस्टलर मिस्टीरियस मीडोज विस्परिंग पाइन कैंप। शानगढ़ में तो भर के होमस्टेज है। तो कल शाम को हम लोग पहुंच गए थे शानगढ़। देवरी से शानगढ़ इज अराउंड 21 किलोमीटर्स और हम लोग को शायद 1 से 1.5 घंटा लगा था। और शानगढ़ में हम लोग आके रुके हुए द हिडन वंडरलैंड कॉटेजेस में, और ये है शानगढ़ में द हिडन वंडरलैंड में हमारा रूम। तो अच्छा खासा बड़ा रूम है, बाहर विंडो है और ये रखा हुआ है फिलहाल, ये रखा है हमारा सामान और ये रखे हुए हैं हमारे आलू के पराठे और चाय। एक ही विंडो है जिससे मस्त पूरा फॉरेस्ट का व्यू दिखता है। एंड दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। पूरा जो रास्ता है वो पूरा जंगल से होके आ रहा है और अभी हम जहाँ पर रुके हुए हैं दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय द एंटायर फॉरेस्ट। लास्ट 1/2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ऑफ रोड था, जंगल का रास्ता है तो फिर ऑफ रोड तो होना ही है। और उसके बाद फिर ऐसी जगह पर पहुंचते हो जहाँ से व्यूज एकदम शानदार हो रहे हो। सामने वो स्नो क्लैड पीक्स दिख रहे हैं, बीच में क्लाउड्स हैं और ये पूरा फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के बीच में है द हिडन वंडरलैंड कॉटेजेस।
शानगढ़ का मौसम उस दिन कुछ तो इशारा कर रहा था, शायद जिस स्नोफॉल का हम वेट कर रहे थे उस वीकेंड, वो इंतजार खत्म होने वाला था। फिलहाल तो मौसम शानगढ़ में भी बारिश वाला ही है, क्लाउडी सा हो रहा है, तो लेट्स सी कि स्नोफॉल होती है कि नहीं, अदरवाइज फिर शानगढ़ एक्सप्लोर करने निकलेंगे यहाँ से, एंड दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डिड डू लाइक इट, कमेंट्स में बताना कैसा लगा एंड शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग, कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। We'll be right back.